हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरो का प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो बात करते हैं जहां पे साउथ अफ्रीका का प्रीमियर लीग एस टी ट्वेंटी चल रहा है, जहां पे साउथ अफ्रीका लीग अब अपने लास्ट स्टेज में आ गया है। अब बस कुछ ही लीग मैच बचे हैं। उससे पहले तीन टीमों ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया, जिसमें दर्बन है, सनराइजर और पाल्स है। अब प्लेऑफ के लिए एक टीम की जगह बची है, जिसके लिए बाकी तीन टीमों में फाइट होना जा रही है। जो बचे हुए मैच जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 27 मैच की, जो कि खेला जाएगा सनराइजर ईस्टर्न कैप और पाल्स रॉयल के बीच में। दोनों टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। अब अगर बात करते हैं, यह मैच 2 फरवरी को बोलन पार्क में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 93% रहेगा और टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 67% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 33% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 162 है, तो वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 133 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहां पे सनराइजर एक मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पाल्स रॉयल भी एक मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस में सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं पहली टीम पाल्स रॉयल का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम ने लगातार 3 मैच जीतकर टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट किया, फिर टीम को हार मिली, लास्ट 2 मैच की हार गई, जिसके चलते टेबल नंबर 3 पे स्टेबल है। अब यहाँ टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर टॉप 2 में जगह बनाना चाहेगी। वहीं अगर 8 मैच की बात करें तो जहाँ पे 5 जीत के साथ पॉइंट टेबल नंबर 3 पे स्टेबल है। टीम की बात कहते उसकी ताकत उसकी बैटिंग में है, लेकिन लास्ट गेम में बात कहते जहाँ पे 83 पे ऑल आउट हो गई थी, जहाँ पे डेविड मिलर जो कि टीम के कैप्टन है, वहीं ओपनिंग में जहाँ पे जॉस बटलर एंड जेसन रॉय हैं, दोनों अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। बटलर टीम के लीडिंग रन और स्कोरर भी हैं, 8 मैच में उन्होंने 296 रन बनाए। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो जहाँ पे बियान लूबी एंड वाहन बुरेन, जो बुरेन लास्ट मैच में बात करें तो सबसे ज़्यादा 36 रन बनाए थे। वहीं अगर ऑलराउंडर की बात करें तो जहाँ पे फैब एलन एंड फेल्काउट की बैटिंग अब तक रन नहीं बना पा रहे हैं। बॉलिंग की बात करें तो टीम लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जहाँ पे टीम ने 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ खेल रही है, जिसमें फास्ट बॉलर लुंगी नगेडी एंड ओबेड माइकल जो कि अच्छे लाइन लेंथ में बॉल डाल रहे हैं। वहीं नगेडी इस टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है, उन्होंने अब तक 13 विकेट निकाले हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में जहां पे तरवेश समझी जो टीम के एक्स फैक्टर है, वहीं पे बिजोन फोर्टे इस पिच पे विकेट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे जेसन रॉय, जॉस बटलर, विहान लुबी, वन वुडन, डेविड मिलर एंड ल्यू फुलका, फेबियन एलन, बिजोन फोर्टीन, लुंगी नगेदी, तबरेज शम्सी और ओविन मैकोय। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पे डेविड मिलर है जो कि 8 इनिंग के लिए रन 168 है। दूसरी प्लेयर की बात करें तो जॉस बटलर जो कि 8 इनिंग में 296 रन है। तीसरी प्लेयर की बात करें तो जहां पे 8 इनिंग में 13 विकेट निकाले हैं। बात करते हैं दूसरी टीम सनराइजर का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा कमबैक करते हुए टीम ने 8 मैच खेले, जिसमें से 5 मैच जीत के आ रही और 3 मैच में टीम को हार मिली। टीम पॉइंट टेबल नंबर 2 पे आ गई है, वही टीम यहां पे टाइगर टॉप 2 में जगह बनाना चाहेगी। लास्ट गेम में बात करें तो जहां पे जो 9 विकेट से हरा दिया, तो वहीं टीम के कैप्टन जहां पे एडन माक्राम है। अगर ओपनिंग में बात करें तो डेविन मलम और जॉर्डन हार्मन, जो मनन जो लास्ट में गेम में 40 रन बनाए थे, नंबर 3 पे एवेल जो 26 रन की इनिंग खेली थी। वहीं एडम मकराम भी मिडिल ऑर्डर में टीम को स्टेबल कर रहे हैं, दोनों सही स्ट्राइक रोटेट करते हैं। वहीं लोअर ऑर्डर में जहां पे फिनिशिंग में स्टार ईस्टर्न स्टब है, टीम की बैटिंग डेप्थ नहीं है। लास्ट मैच में बात करें तो टीम ने जबरदस्त बॉलिंग की और जेएसके को 78 रन पे ऑल आउट कर दिया, जहां पे पैट्रिक क्रूगर ने 3 विकेट लिए, तो ऑथिनल बार्ट ने जो अब तक 10 विकेट लिए है। मार्को जेनसन सनराइजर इस पेस अटैक को लीड कर रहे हैं, जहां पे डेनियल वॉरल ने भी 7 मैच में 13 विकेट निकाले हैं। साइमन हार्मर अपने ऑफ स्पिन से अटैक करने वाले हैं। एम डॉबसन जो इस वक्त इकोनॉमिक बॉलर हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे एडम मक्राम है जो कि कप्तान है, जॉर्डन हार्मन, डेविड मलन, टॉम अवेल, टिस्टन स्टब्स, पैट्रिक क्रूगर, लैम डॉसन, मार्को जेनसन, साइमन हार्मर, ऑथिनल बार्टमैन, डैनियल वॉरल। अब बात करते हैं इनको कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पे एडम मक्राम है, 5 इनिंग में 143 रन है। दूसरी प्लेयर की बात करें तो टिस्टन स्टब्स जो कि 5 इनिंग में 190 रन है। तीसरी प्लेयर की बात करें तो डैनियल वॉरल जो 7 इनिंग में 13 विकेट लिए हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, चलते विनर की ओर। हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच जो है सनराइजर होगा,
क्योंकि सनराइजर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। रिसेंटली बात करें तो काफ़ी अच्छा खेल के आ रही है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।